हेलो दोस्तों, जय कबूतर। देसी हाई फ्लाइंग पिजन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त आकाश माणिक खंडागले। दोस्तों आज हम आए हुए मुंबई में। मुंबई में नए आ चुके हैं। आज हम आए हुए दोस्तों महाराष्ट्र में दोस्तों परभणी। ये कहाँ पे आता है जो बहुत से भाई को नहीं पता है तो उनको बताना चाहूंगा दोस्तों। जालना के आगे दोस्तों औरंगाबाद के आगे आता है दोस्तों परभणी, और परभणी के आगे है नांदेड़ और औरंगाबाद के बीच में आता है दोस्तों परभणी। ओके दोस्तों, तो परभणी से याद आया, बहुत से भाई कहते हैं और हमारे सोहेल भाई ने भी हमें बताया। दोस्तों मराठी में कहना चाहूंगा, मराठी में एक है तो दोस्तों बोलना चाहूंगा कि जगात जर्मनी भारतात परभणी। इसके लिए हम आज आ चुके हैं दोस्तों कि परभणी में क्या है क्या नहीं। और परभणी अगर नाम याद आता है कबूतरों के, जो कबूतरों का शौक करते, तो हर किसी के जुबान पे एक ही नाम आता है, अरे परभणी जा रहे हो। मुझे भी कॉल आया दोस्तों, मैं जब यहाँ पे आ रहा था, आकाश भाई कहाँ पे हो, कहाँ पे नहीं, हमें शूट के लिए आना है, कहाँ पे हो आप, जल्दी आ जाओ। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं जा रहा हूँ बाहर वीडियो शूट करने के लिए परभणी। तो हर किसी के जुबान के ऊपर एक ही नाम, अच्छा परभणी आजर भाई के पास, क्या बात है। तो डायरेक्टली ये एक बहुत एक शौक इस तरह बढ़ चुका है कि बहुत ही फेमस, बहुत ही जाने माने प्लेयर कह सकते हैं, बहुत ही जाने माने कबूतर खिलाड़ी, जो थी जाने माने उस्ताद भी कह सकते हैं दोस्तों, और एक ब्रीडिंग के बादशाह भी कह सकते हैं एक लेवल के, और वो भी इंटरनेशनल लेवल के भी कह सकते हैं। ओके दोस्तों, तो कौन है, क्या है, क्या नहीं, आप सभी से हम मिलाना चाहेंगे। तो इनके पूरे फार्म का नाम है दोस्तों AR पिजन फार्म। ओके दोस्तों, तो हम मिलते हैं, बात करते हैं हमारे अजहर सर से। ये देखो दोस्तों, हेलो अजहर सर, कैसे आप? बहुत बढ़िया। ओके ओके, और ये अजहर सर के भाई, हेलो इमरान सर, कैसे आप? ओके ओके, और ये है भाई इनके सोहेल भाई, हेलो सोहेल भाई, कैसे आप? और ये है सुल्तान भाई, जो स्पेशल हैदराबाद से आ चुके हैं, हेलो सुल्तान भाई। तो अजहर सर, जैसे कि आपने, हम जब भी आए थे इससे पहले, जो आपने बुलाया था कुछ 2 साल पहले बुलाया था, तो 2 साल पहले आपके घर पे ही कम से कम 200-250-300 जोड़े थे शायद से। तब भी बहुत कबूतर थे। तो इतना बड़ा लॉफ्ट होने के बाद भी आपने पूरा एक नया अलग जगह पे पूरा फार्म ओपन किया है, बहुत ही ज़्यादा खर्चा करके। तो क्या है कहानी, पूरी डिटेल्स हम बताएंगे। ओके दोस्तों, तो स्पेशली वो टाइम पे हम आए थे, तो वो टाइम पे मुझे भी याद नहीं था कि हमारे सब्सक्राइबर कितने थे। तो स्पेशली अजहर सर ने मुझे याद दिलाया कि टोटली 22,000 सब्सक्राइबर थे, बराबर 22,000 सब्सक्राइबर थे। और आज सभी के, आप सभी की सपोर्ट की वजह से दोस्तों 71,000 सब्सक्राइबर क्रॉस हो चुके हैं। तो इसी तरह आप सपोर्ट करते रहिए, थैंक यू। तो स्पेशली अजहर सर, जो हमारे नए व्यूवर्स को नहीं पता है कि मतलब आपके बारे में, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा, मतलब आपसे, तो आपको कबूतरों का शौक कैसे स्टार्ट हुआ? देखिए आकाश भाई, कबूतरों का शौक मुझे बचपन से स्टार्ट हुआ, जैसे कि 4th स्टैंडर्ड में था, मुझे याद है, एक जंगली कबूतर से, मैंने जंगली कबूतर के बच्चे से मेरा शौक स्टार्ट हुआ। अच्छा। और 7th स्टैंडर्ड तक जब गया तो तब मुझे हाई फ्लायरों का पता चला, तो तब से फिर मेरे पास हाई फ्लायर है, तो आज की तारीख तक है कबूतर। और ऐसा एक भी दिन मेरा नहीं गया जिस दिन मैंने कबूतर हाथ में नहीं पकड़ा या देखा नहीं। शायद ही मैं कभी दूर गांव पे हूँ तो तभी बाहर हूँ, नहीं तो फिर घर पे हूँ तो बस कबूतर है। क्या बात है, तब से कबूतरों का शौक है। यानी कि मतलब आपका बचपन खेलना कूदना कबूतरों के साथ ही, बचपन से खेलना कूदना पूरा टाइम कबूतरों में। क्या बात है, बहुत मस्त। तो आपके कोई उस्ताद वगैरह है कि? उस्ताद, देखिए अभी ये बात बहुत अच्छी बोली आपने, उस्ताद बस अब पूरे ये मेरे उस्ताद है, जो कबूतर अंदर बैठे हुए लेना, ये सारे कबूतर मेरे उस्ताद है। वाओ, वो यही सिखाते हैं, हर बात उनसे ही सीखने को मिलती और उन्होंने सिखाए मुझे। अच्छा, बस क्या बात है। यानी कि जो कबूतर उड़ते रहते तो आप उनको पकड़ के चेक करते थे क्या है क्या नहीं, पूरा नोटिस करते करते आप पूरा जानकारी, मतलब जो कुछ है वो देखो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अभी मेरी समझो 35 एज है, तो अभी जब मैं 9 साल का था, उसके बाद में 12-13 साल से मुझे हाई फ्लायर का शौक लगा। अभी 13 साल से अभी ये उम्र तक, ये एज तक मेरे, तो हाई फ्लायर कबूतर को देख रहा हूँ ना, मैं सारे हाई फ्लायरों को देख रहा हूँ, तो उसमें मेरा खुद का एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। सही बात है, हर बात के अंदर, जो हाई फ्लायर के अंदर, जैसे कि जोड़ बंदी हो गई, कबूतर को परखना होगा, ये सारा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ओन एक्सपीरियंस है। बराबर, कुछ कुछ भाई ऐसे होते हैं कि सालों साल बिता जाते हैं लेकिन वो कुछ उसमें से हासिल नहीं करते कि मतलब कबूतरों में क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, कबूतर उड़ेंगे कैसे कैसे नहीं, क्या हड्डी जोड़ होती है कैसे होते है, सिर्फ दाना डाल देते हैं, कबूतरों की आबादी बढ़ाते हैं ये। लेकिन आपने पूरा नॉलेज हासिल किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। नहीं देखिए, जो नॉलेज हासिल करना बोल के एक आप खुद जब उसके अंदर पूरी तरह से उतरेंगे, पूरी तरह से उसको एक दिल से बाय हार्ट वो कबूतर को समझेंगे, तो बिल्कुल आप
कोई भी कबूतर लो, सादे से सादा कबूतर लो, अगर वो कबूतर आपको समझ में आता, चाहे वो कोई कीमत करो, आपको अगर समझ में आ रहा हो कबूतर के अंदर के सारे पॉइंट समझ में आ रहे, तो समझ जाओ कि आप अच्छे कबूतर पकड़ना स्टार्ट कर दिए, बिल्कुल आपके पास कबूतर उड़ना चालू हो जाएंगे। क्या बात है, उड़ने वाले कबूतरों की परख अगर करना सीख गए। अपन बचपन में 10 कबूतर लाते थे आकाश भाई, तो 10 कबूतरों में से 4-5 तो कबूतर ऐसे रहते थे कि वो पूरा दिन उड़ते थे। सही बात, 2 बजे तक तो उड़ते थे, 12 बजे तक तो उड़ते थे। तो वो कबूतर से अपन क्या सीखेगा, अपन कबूतर जब देखेगा भाई इतना क्यों उड़ रहा है, इसकी वजह क्या है उसके पीछे। अभी तादाद में देखो, रंगों का शौक ज्यादातर, रंगों का एक कलर के जोड़ों का शौक वैसा मुझे बचपन से नहीं है। अच्छा, हाँ बचपन से नहीं है कि भाई गजरे को गजरा होना, हरे को हरा होना, लाल को लाल, नहीं उड़ना कबूतर ने। अच्छा, हाँ ये मेन चीज है उसके अंदर। क्या बात है, मतलब आप कलर से मायने नहीं रखते हो, आपको खाली उड़ान से, उड़ान से उड़ान, खाली उड़ान चाहिए। हाँ, उड़ने वाले कबूतर। अभी आपने जो पूछे उधर, जब आपने 2 साल पहले देखे, उधर एक सेटअप है जिसमें हम हर साल कबूतर उड़ाते, चेक होते, फिर वो कबूतर जोड़ों में जाते। तो वो जितने भी इम्पोर्ट लाइन के वहाँ पे थे मेरे पास, तो हमने वो दिए नहीं, वो सारे उसकी ब्रीड करे पहले। अच्छा, हाँ 2013-14 से इम्पोर्ट। अभी इससे बात मुझे तो पता है क्या, लेकिन हमारे नए व्यूअर जो जुड़ चुके हैं तो उनको नहीं पता है। तो इम्पोर्ट यानी कि आपने इंडिया के बाहर से मंगाए हुए हो कभी? हाँ, बाहर की जो ब्रीड रहती, ये जो ब्लड लाइन है, तो इसको हमने वापस वहाँ पे ब्रीड करके उसको मेंटेन करे, फिर वो वहाँ की तादाद अपने तब भी देखे थे, लगभग वो उसी टाइम में वहाँ पे 2-3 हज़ार कबूतर थे। सही बात है, तो हाँ तो वो क्राउडिंग हो गई थी, अब दे तो नहीं सकते, तो फिर हमने उसको वापस इधर फार्म बना के वही कॉपी इधर शिफ्ट करे वाली, वो कॉपी है समझो, कॉपी है, क्या घर की ये कॉपी है, सारे उन्हीं के बच्चे है जितने भी है। अच्छा, मतलब आपने बाहर से कबूतर वगैरह खरीदते नहीं हो? नहीं नहीं, कबूतर नहीं। अच्छा, नहीं खरीद। क्या बात है, बहुत मस्त। तो ये कौन है सुल्तान भाई, प्लीज हमारे व्यूअर्स को इंट्रोडक्शन। सुल्तान भाई हमारे रिश्तेदार भी है, दूर से करीबी रिश्तेदार है। और उसके बाद में दोस्त भी है एक हमारे अच्छे। अच्छा, और इनके पास भी जितनी भी वैरायटी है कबूतर, जितने भी अच्छे ब्लड के कबूतर है, सुल्तान भाई के पास भी कबूतर बहुत अच्छे, और सुल्तान भाई खुद भी कबूतर को बहुत अच्छा परखते। जब भी मैं देखता तो सुल्तान भाई बहुत अच्छे कबूतर पकड़ते जब भी है। अच्छा, सभी अच्छे, लेकिन जैसा कि अपन बोलते हैं ना, सब में एक हीरा रहता आगे का, तो सुल्तान भाई उसको बिल्कुल परखते। क्या बात है, हाँ तो सुल्तान भाई का भी शौक अच्छा है, उनका ग्रुप भी बहुत अच्छा है, सब मिलजुल के है सुल्तान भाई भी खुद। और सुल्तान भाई, सुल्तान भाई कुछ कहना चाहोगे आप अजहर भाई के बारे में? नहीं, अजहर भाई का सब जो भी सीखे हम अजहर भाई से सीखे, इसमें हमारे को तो कुछ इतनी नॉलेज नहीं थी, मगर जितना भी आज तक जो भी सीखे माशाल्लाह अजहर भाई के। अच्छा, बताने भी जो भी अजहर भाई जो पॉइंट बताते थे, वही पॉइंट से कबूतर जोड़बंदी, कबूतर उड़ाना, उसको कैसा संभालना करना, सब समझो अजहर भाई से सीखा। हमारे भी कोई उस्ताद नहीं है, कबूतर ही हमारा उस्ताद है, उसके बाद अजहर भाई ही समझो जो भी बताए करें। हाँ बात है, वो तो आप अजहर सर को कब से जानते हो? तकरीबन 8-10 साल। आठ दस साल, वाह क्या बात है। अब तो मेरे घर पे तकरीबन 300-400 कबूतर है, सभी अजहर भाई के पास। अच्छा, अजहर भाई से हटके किसी का भी कबूतर, चाहे देसी रहो या बाहर के, इंडियन, क्या बात, जितने यहाँ कबूतर है सब इसकी कॉपी मेरे पास है। हाँ क्या बात है, बहुत मस्त है, बहुत। जो भी घर के बच्चे निकलते सब उड़ा के देखते दोस्तों। हाँ बहुत अच्छा है। तो इमरान सर, आप अजहर भाई के भाई हो, तो आपको कुछ नॉलेज देना चाहोगे कि लोगों को किस तरह शौक करना चाहिए, और आपको कबूतरों का शौक कब से लगा है? ये शौक हमारा भाई के साथ से शुरू हुआ, जैसा भाई को शौक लगा। हाँ, भाई के काम था कि हर जगह से अच्छे अच्छे जो कबूतर उनको पसंद आते थे वो लेके आते थे। हाँ, उनको देखना, उड़ाना, संभालना, ये हमारा शौक है। अच्छा, और वो शौक आज भी वही जा रही है, वही जा रही है। क्या बात है, बहुत मस्त है। मतलब तो आपके फैमिली वगैरह चिल्लाते नहीं थे वो टाइम पे कि कबूतर, क्योंकि पुराना उनको आदत हो गई है। अच्छा, उनको आदत हो गई, लेकिन पहले वो चिल्लाते थे, मारते थे। वो तो है, पहले सब थोड़ा घर पे गुस्सा किए, डांटे, पर अब वो कॉम्प्रोमाइज कर लिए सब। अच्छा, ओके ओके, मतलब अभी अपन जॉब पे वगैरह जाने लग गए तो फिर वो हिसाब से थोड़ा अरेंज होते गया सब। जॉब के पहले से अरेंज होते गया। चलो, अच्छा अच्छा, बहुत मस्त। तो सोहेल भाई, तो मैं पूछना चाहूंगा आपको कि आप अजहर भाई को कब से जानते हो, और आपको भी कबूतरों का शौक है? शौक है थोड़ा बहुत, नहीं क्योंकि हम ये दोनों जॉब को जाने की वजह से मैं ख्याल रखता ना कबूतरों का, पूरा कबूतरों का, मैं और हमारे मुबशिर वही है। हाँ, तो दोनों देख रेख करते हैं हम कबूतर की। अच्छा, इतना नॉलेज नहीं है मेरे को कबूतर का। हाँ, लेकिन पसंद है, पसंद है, पसंद है। हाँ हाँ, बहुत मस्त, बहुत मस्त। चलो अच्छा,
तो स्पेशली हम आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। तो अदर सर, ये जो आपने जो लॉट बनाया हुआ है, देखो दोस्तों आपको वीडियो दिखता होगा कि वीडियो की स्टार्ट हो रही है, और प्लस स्टार्टिंग में देखो दोस्तों किस तरह लॉफ्ट है, किस तरह ने आपको दिखता होगा वीडियो के ऊपर। तो आप वीडियो भी देखो और प्लस हम अदर भाई से भी बात करते। तो अदर भाई, मैं पूछना चाहूँगा कि स्पेशली ये जो स्टार्टिंग का जो इंटरेस्ट का ये जो दरवाज़ा है, ये इतना वजनदार कैसे बनाया हुआ है आपने, इतना हैवी मटेरियल क्यों? नहीं, दरवाज़ा कोई भी चीज़ का, घर भी बना रहे ना तो दरवाज़ा उसका मजबूत रहना, एक इम्प्रेसिव रहना, अच्छा दरवाज़ा रहना बराबर। तो बाकी से चीज़ें सारे इम्प्रेसिव लगते, बड़े घर को छोटा दरवाज़ा अच्छा नहीं लगता सही बात है, बराबर। कोई अगर बॉडी बना रहे तो खाली बाइसेप मत बनाओ, पूरी बॉडी लेग्स के साथ सब बॉडी बनाओ, नहीं तो अच्छे नहीं लगेंगे। सही बात है। ओके। तो हम अंदर जाने के बाद में एक दरवाज़ा ओपन होने का, दूसरा सेकंड दरवाज़ा भी है, दूसरा दरवाज़ा डोर क्यों? हाँ, वो डोर इसलिए रखा लगा कि कभी अगर ब्रीडिंग सेटअप में से कोई कबूतर बाहर आ गया तो वो पहले डोर में आके लॉक हो जाता, फर्स्ट इसमें उसको आगे नहीं आना था। सिंगल डोर रहा तो कबूतर सीधा बाहर निकल जाता। कभी अगर मतलब वो जो सेकंड दरवाजा अगर वो ओपन रहा तो डायरेक्ट ये जो मेन दरवाजा है बड़ा, तो ये यहाँ पे स्टॉप रुक जाता कबूतर। क्या बात है, बहुत मस्त। तो ये जो अपने जो जगह इतनी बड़ी है, तो ये जगह के ऊपर मतलब अपने कुछ ऐसा सोचा था बचपन से, शौक था कि मुझे इतना बड़ा फार्म बनाना है, या तो फिर कुछ ऐसा किसी ने बताया? नहीं, अभी जो ब्लड लाइन के कबूतर अपने पास है तो ये ब्लड लाइन के कबूतर तो वापस उनको अपने पास मेंटेन करके और तादाद में बढ़ाना एक मेरी ख्वाहिश थी, दिली ख्वाहिश कि इसको मैं एक लार्ज क्वांटिटी में ये क्वालिटी के कबूतर दिखाऊं कि मेरे पास ये चीज़ है बोल के। तो मैं तो कभी ऑनलाइन आया नहीं था, सही बात, ऑफलाइन ही था। तो काफ़ी दोस्त थे बाहर के, सुल्तान भाई भी आते थे, सब बोलते थे अरे कबूतर बताओ तुम्हारे पास है, इतने अच्छे अच्छे कबूतर है, ऐसे कबूतर नहीं है। तो फिर मैंने बोला चलो दिखेंगे। तो फिर वो जब तादाद बढ़ी तो फिर सोचे कि चलो एक नया ब्रीडिंग सेटअप आगे बढ़ेंगे उसको, तो ये आगे ब्रीडिंग सेटअप बढ़ाए। और इंशाल्लाह और कोशिश है कि बाजू में भी और एक सेक्शन और एक सेटअप बनेगा इंशाल्लाह अपना। यहाँ पे भी चेक होंगे, जैसा टेरिस पे चेक होते थे तो इधर भी चेक होंगे, उड़ा के फिर वापस इधर। क्या बात है, बहुत मस्त। तो स्पेशली अभी ये जो आपने एक एक खन जो दिया है तो वो कितने बाई कितने का है? नहीं, ब्रीडिंग केज का जो एक स्टैंडर्ड साइज है वो 2.5 फीट लेंथ है उसकी, 1.5 फीट डेप्थ है और हाइट 1.5 फीट है उसकी। अच्छा, 1.5, 2.5, 1.5 डीप में डेढ़ है, स्टार स्टैंडिंग में भी डेढ़ है और आड़े में 2.5 फीट है। क्या बात है, बहुत मस्त। तो उसमें उसमें कुछ 3 फीट के भी रखे हुए हैं मैंने। अच्छा, कुछ कुछ 3 फीट के भी रखे हुए अलग से। अच्छा हाँ, तो आप इनको बाहर छोड़ते नहीं हो दाना पानी के लिए कबूतरों को अपने? नहीं, अभी ये तो देखो जून से तो बंद हो जाते, मई में ब्रीडिंग स्टॉप हो जाती, जून जुलाई अगस्त के बाद में जोड़े वापस से लगते मेरे पास। कभी से अगस्त से जो जोड़ में स्टार्ट होते हैं तो डायरेक्टली सीधा जून में मई महीने में स्टॉप हो जाते हैं, मई के एंड में स्टॉप हो जाते, मई के एंड तक स्टॉप कर देते ब्रीडिंग पूरी। क्या बात है, मेल फीमेल पूरे सेपरेट होके बाहर आ जाते पूरे, अंदर नहीं रहते। फिर जो अभी आप देख रहे जो रेस्ट कर रहे वो वापस से फिर नेक्स्ट सीजन में जोड़ों में जाएंगे। मतलब कबूतरों को आप पूरा सालों साल सिंगल ही कह सकते हैं? बस जो मेन ब्रीडिंग कबूतर है अगर ये 5 जोड़ा है तो इनको आप जून महीने में, अगस्त महीने में इनको जोड़े में लगाया तो मई महीने में इनको जोड़ा तोड़ दिया बस, और ये नए कबूतर डायरेक्ट अगस्त में दूसरे जाएंगे। फिर ये ऐसा मतलब एक पानी जैसा रिफ्रेश होता है उसी तरह। वाह, एक नंबर। देखो दोस्तों, एक नया कुछ सीखने मिला होगा आपको, बहुत मस्त। तो ये स्पेशली ये जो आपने जो सेटअप बनाया हुआ है जो सिंगल कबूतरों का, बहुत प्यारा सेटअप लगा, अंदर से दरवाजा फिर एक ऐसा आके, तो ये ऐसा कैसा मतलब क्या सोच के? नहीं, इसको जो अपन बनाते होते जो आकाश भाई, इसका प्रॉपर वेंटिलेशन का, टेम्परेचर का, ये जो भी है इसके कंप्लीट ध्यान रखते हुए अपन ने ये बनाया वाला है। अच्छा हाँ, क्योंकि कैसा है इसमें अगर वेंटिलेशन वगैरह नहीं रहेगा या प्रॉपर एयर का सप्लाई नहीं, फ्लो बराबर नहीं रहेगा तो ये कबूतर स्ट्रेस में आते, डिसीज में आते। ओके, हाँ। कैसा, जितना फ्रेश क्लाइमेट रहेगा फार्म के अंदर तो उतने अच्छी ब्रीडिंग भी होंगी, कबूतर भी खुश रहेंगे और सब ठीक से रहेगा, प्रॉपर ब्रीडिंग चलते रहेंगे। हर चीज का ध्यान रखे वाला है बनाते टाइम। बहुत मस्त। तो टोटल अभी बनाते टाइम आपने कहा कि हर चीज का ध्यान, तो टोटल बनाने के बाद टोटल खर्चा कितना है, कुछ व्यूअर्स को बताना चाहोगे कि नहीं वो सीक्वेंस है, सीक्वेंस ही ठीक है। क्या है देखो आकाश भाई, ये चीज़ ऐसी है, कबूतर से इंसान का जिस दिन दिल भर गया उस दिन उसकी कबूतरबाजी खत्म हो जाएगी।
सही बात है। आज ये मेरे पास इतने तादाद में है, आज भी मुझे कबूतर देना नहीं मालूम होते किसी को, अगर देने का भी है तो। अच्छा, दिल पे पत्थर रख के देना पड़ता है। ओह सही बात है। और ख्वाहिश ये है कि और कबूतर होना, दिल नहीं भरता और होना, तो इंशाल्लाह और भी बढ़ेंगे कभी अगर अल्लाह ने चाहा, अगर आगे कुछ और टाइम मिला अगर और हो गया तो इससे ज्यादा कबूतर बताएंगे। यही ब्रीड के और यही लाइन के, ऐसे नहीं कि नए दूसरे कबूतर, यही ब्रीड यही लाइन मेंटेन करके आगे बढ़ेंगे इसको। और तो आप इतने सालों से यही ब्रीड यही लाइन आगे बढ़ाते जा रहे हो, तो ये बढ़ाने का राज, तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि क्या ये कबूतर आपने पहले उड़ा के चेक किए हो कि खाली बिना चेक करके आप ब्लड लाइन बना रहे हो? बिना चेक करे बोलो तो अंधेरे में तीर मारने का काम है। सही बात है, टाइम वेस्ट है। टाइम वेस्ट अपना दाने का, ये चीज नहीं, ये वो वेस्ट है। आप टाइम भी वेस्ट कर रहे और हर चीज उसमें वेस्ट हो रही है। देखो पहले ब्लड अच्छा होना, खून कबूतर का इम्पोर्टेंट है कि अच्छे ब्लड लाइन के कबूतर होना। आप कोई भी चीज़ में लो, एक ब्लड लाइन का निकलता चाप। हॉर्स में देखो ब्लड लाइन है, डॉग्स में देखो ब्लड लाइन है, चैंपियन लाइन है। सही बात है। तो बस ये उसके इम्पोर्टेंट है ना ज़्यादातर, तो ब्रीड में भी वैसी है। ये जो ब्लड है अभी बस इन्हीं को आगे हम और लेके जाना है वाकई में। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वाकई में लेके जाओ, क्योंकि ये ब्लड लाइन अपने इंडिया में देखने के लिए बहुत कम जन के पास है, और जिनके पास है वो संभाल के रखो ये कहना चाहूँगा, और स्पेशली अजहर सर के पास है तो ये भी संभाल के रखो ये कहना चाहूँगा, क्योंकि ये ब्लड लाइन डायरेक्ट इंडिया के बाहर है, और अजहर सर ने जितने भी ब्लड लाइन है सब इंडिया के अंदर इंडिया के बाहर से खरीद के ला के रखे हो। बहुत मस्त। तो दोस्तों इतना प्यारा सेटअप, इतना प्यारा, इतना बड़ा लॉफ्ट, एक नंबर, स्पेशली एकदम सिस्टमेटिकली बनाया हुआ है। अगर पत्रे से पूरा बाहर से पूरा कवर, और पत्रे के बाद अगर गर्म होता है तो गर्म होने के लिए दोस्तों पत्रे के बाद इन्होंने लगाए हुए सीमेंट शीट लगाया हो, क्योंकि दोस्तों ये पत्रे की गर्मी की वजह से यहाँ पे ठंडक हो जाता है और कबूतर पूरे ठंडे रहते हैं अंदर और एकदम। और दोस्तों सबसे मेन बड़ी बात, इन्होंने लगाए हुए हैं कबूतरों के हर स्पेशली शायद से 6-6 या 5-5 फुट के ऊपर स्पेशली मॉर्टिन, बराबर तो वो किस लिए लगाए हुए हैं? मच्छर के लिए। हाँ, मच्छर के लिए कॉमन बात है। हाँ। मच्छर के, मॉर्टिन से मच्छर नहीं होते, मच्छर काटने से पॉक्स हो जाते बच्चों में, वाकई में होते हैं। हाँ, पॉक्स होते, तो उसी को कंट्रोल करने के लिए वो बन रखे। क्या बात है। पॉक्स यानी कि कोई भाई माता कहते हैं, कोई देवी कहते हैं, कोई चिपन पॉक्स कहते हैं, कोई फोड़ी कहते हैं, सबके लैंग्वेज में अलग अलग है। तो वो नहीं होने के लिए अजहर सर ने स्पेशली बहुत कम से कम नहीं तो 6-7-8 मॉर्टिन लगाई हुई है, रोज रात को स्टार्ट हो जाते हैं। क्या बात है, बहुत मस्त। तो कुछ कहना है व्यूवर्स को आपको कि स्पेशली एक आपके मैसेज से? नहीं, जो नए शौकीन है उनके लिए मैसेज दे सकते हैं अपन की अच्छे से शौक करो, मिलजुल के शौक करो, और कबूतर को समझो, और कबूतर को समझने के बाद ही कबूतर किसी से लो। बिना समझे कबूतर मत लो किसी से भी, चाहे वो कितना भी अच्छा है, दिखने में अच्छा है, आँख में अच्छा है। अगर आपका पर्पस फ्लाइंग है, उड़ाना, तो रंग को मत देखो, उसके अंदर खुसूसी जो पॉइंट्स है वो देखो, वो समझो पहले खुद के प्रैक्टिकल पे, फिर उसके ऊपर फोकस करो। और जो एजुकेशन में है बच्चे जो पढ़ रहे, वो अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, ना कि कबूतरबाजी पे। ये आप जब सेट हो जाएंगे लाइफ में, स्टेबल हो जाएंगे, उसके बाद आप कबूतरबाजी करो, क्योंकि कबूतरबाजी करने के लिए वक्त की बहुत वक्त मांगती कबूतरबाजी। और जो ज़्यादा इसके अंदर पढ़ाई लिखाई छोड़कर इसके अंदर चले गए, तो आपके फ्यूचर पे उसका इफ़ेक्ट हो सकता। और जो कबूतरबाजी करना चाह रहे आगे, तो मैं खुद कबूतर को समझ के कबूतरबाजी करो। कोई आपको गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा, कोई आपको फंसा रहा, कोई आपको जैसे कि एक चीज़ बता रहा और दूसरी चीज़ दे रहा, ये चीज़ें अक्सर होते कबूतरों के अंदर, तो ये मत हो। इसके अंदर कबूतरबाजी ख़राब हो जाती और एक नाम भी ख़राब हो जाता। और आप इस ये चीज़ को ध्यान दो कि भाई आगे जब भी आप ये चीज़ अपन किसी के साथ कर रहे, तो वो चीज़ अपने साथ वापस हो जाती लाइफ में। तो ऐसा ना करते हुए पढ़ाई पे ध्यान दो, और कबूतर को समझकर ही कबूतर लो, बिना समझे कबूतर मत लो। बहुत अच्छी बात कही, बहुत मस्त। तो अच्छा सर, इतने सारे कबूतर है आपके पास, आपके घर पे भी अलग कबूतर और यहाँ पे भी, तो इतना सारा दाना वगैरह क्या देते हो कुछ? नहीं, ये तो मैं सीजनल रहता मेरे पास, जो भी जैसा सीज़न चेंज होता उस हिसाब से मैं दाना भी चेंज हो जाता मेरे पास। अच्छा, हाँ ऐसा है। ओके, बहुत मस्त। और जो हमारे नए व्यूवर्स है,
तो मुझे कॉल आया था, नाम नहीं याद आ रहा सॉरी आपका, तो उन्होंने मुझे बताया था कि स्पेशली, हाँ स्पेशली बागलकोट से है, स्पेशली जावेद भाई करके, तो उन्होंने मुझे मैसेज फ़ोन पर बात हुई थी हमारी, उन्होंने कहा था कि आकाश भाई अगर कोई सेलर या तो फिर कोई भाई अगर शौकीन जो कबूतर बाहर से लेके आते तो अपने घर पे आने के बाद वो कबूतर दाना पानी खाना छोड़ देता है, तो वो टाइम पे उनको ट्रीटमेंट क्या देना चाहिए जो कबूतर फ्रेश हो जाए, तो एक छोटा सा मैसेज। नहीं कबूतर देखो अभी मेरे पास भी कबूतर जब रहते तो वो डायरेक्ट ये क्लाइमेट में ये वेदर पे नई जगहों पर आके उसको अडेप्ट नहीं करते, वो स्ट्रेस में रहते बर्ड और जल्दी से कोई भी इन्फेक्शन या वायरस या डिसीज़ में चले जाते। तो जब भी आप बर्ड्स लेके आते तो पहले तो सेपरेट रखो उसको, अपने कबूतरों में मिक्स मत करो, अलग रखो, तकरीबन 30 से 45 डेज तक उसको अलग रखो, कबूतरों में मत जान दो, क्योंकि देखो हर लॉफ्ट में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन रहता, डिसीज़ रहता, वायरस रहता, और नए कबूतर जब वीक होकर आते तो उन पर सडन अटैक हो जाता, और उसमें बेचने जो बेचता सेलर रहता वो भी परेशान हो जाता, वो बोलता भाई आपने कबूतर बीमार भेज दिए, और ये बेचारा जो ख़रीदने वाला उसका भी नुकसान हो जाता। सही बात है हाँ। तो भेजते टाइम पे भी थोड़ा प्रॉपर केयर करके दाना फीड ट्रे लगा कर कहीं दूर भेज रहे तो उधर भेजे तो कबूतर ठीक से पहुँच जाते, और जब कबूतर घर में आते तो अगर दाना नहीं उठाते कबूतर अक्सर, तो उसलिए कबूतर जहन बताते अपना, कुछ कबूतरों की आदत रहती कि वो घर की पुरानी जो उनकी जहनियत है वो नए घर में आके दिखाते, तो उस टाइम में कबूतर को थोड़ा सा सेपरेट रख के अच्छा दाना पानी दो जो उनका पसंद का है। अच्छा हाँ। और कुछ आते बराबर कोई लोग क्या कर देते, डायरेक्ट उनको एंटीबायोटिक का कोर्स दे देते बराबर डायरेक्ट कबूतर बाहर से। हाँ तो एंटीबायोटिक उनको डायरेक्ट आने के बाद नहीं देना, उनको मल्टीविटामिन्स देना, बी कॉम्प्लेक्स देना, तो ये डायरेक्ट एंटीबायोटिक वजह से भी कभी कभी कबूतर स्ट्रेस में आए थे लोगों। अच्छा। ने क्या कर दिया, आते बराबर उनको उसको एंटीबायोटिक दे दिए, पहले वो वीक है फिर उस पर एंटीबायोटिक का डोज है तो वो और कमज़ोर हो जाता। ओके तो ताकत की कुछ बी कॉम्प्लेक्स कोई भी आप दे सकते कबूतर, इंसानों का दो या फिर वेटनरी का दो, एक ही है। हाँ। बहुत अच्छा लगा दोस्तों, एक नंबर लॉफ्ट देखे रहेंगे आपने किस तरह, और पूरी जानकारी इन्होंने अपनी पूरी दिल की बात धीरे धीरे आप सभी के सामने बताई है। तो सोहेल भाई आपको कुछ कहना है जाते जाते व्यूअर से? कुछ भी नहीं, बस इतना ही कहना है कि बस हमारे आकाश भाई को सब सपोर्ट करो, इनके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, आकाश भाई बहुत अच्छा अच्छा शौक़ कराते आप सबको, और आकाश भाई की मेहनत बहुत सारी है क्योंकि आकाश भाई को कंटिन्यू दो दो तीन तीन दिन है तो बड़बड़ करना पड़ता है, सवाल आपके वास्ते करना पड़ता है पूरे, तो ज़्यादातर आप आकाश भाई को ज़्यादा सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। क्या बात है, बहुत मस्त है, थैंक यू सो मच, बहुत मस्त है। वाकई में दोस्तों बहुत अच्छी मेहनत करके, और इनको स्पेशली ज़्यादातर करके दोस्तों घोड़े का बहुत ज़्यादा शौक है, बराबर 2 साल पहले भी हमारी बात, और स्पेशली अभी भी इनको बहुत ज़्यादा शौक, और स्पेशली कबूतरों का भी शौक है, तो इसी तरह आप पूरा शौक और आगे बढ़कर रखे, यही कहूँगा मैं। तो अजहर सर कुछ जाते जाते कहना है कुछ आपको व्यूअर्स से? नहीं सर, आकाश भाई को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बिल्कुल आकाश भाई की मेहनत का फल है, इंशाल्लाह आगे भी उनको हमारे तरफ से भी पूरा सपोर्ट रहेगा, और आगे जल्दी उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ऐसी हमारी दुआ है। थैंक यू बहुत मस्त। आपको कहना है सुल्तान भाई कुछ जाते जाते? नहीं, हैदराबाद से स्पेशल आ चुके हो दोस्तों शॉक करने के लिए, हैदराबाद से परवानी, बहुत मानना पड़ेगा आपको, बहुत मस्त, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप भी, बहुत मस्त। ओके दोस्तों, तो यही कहना चाहूँगा कि जिस किसी भाई को इनका फार्म, इनका सेटअप, इनकी बातें, इनकी नॉलेज, हर किसी की बातें किस तरह लगी किस तरह नहीं तो ज़रूर आप बताना, यही कहना चाहूँगा मैं। ओके दोस्तों, तो जाते जाते एक लास्ट कि आपके पास मतलब खाली कबूतरों का ही शौक है, आपके फार्म के ऊपर की कुछ और भी ब्रीड रखे हो आपने, कुछ अलग अलग वैरायटी? हॉर्स है ना अपने पास, हॉर्स भी है, क्या बात है, घोड़े भी रखे हो? हाँ। असील के मुर्गे क्या बात है, अरे वाह, ये सब, और बकरा बकरी भी? हाँ बकरा बकरी भी है, बकरा बकरी, हॉर्स का शौक हमारे सोहेल भी करते थे। हाँ अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन, हाँ क्या बात है, बहुत मस्त, देखो बहुत बारी, कुछ कहना चाहोगे आप व्यवस्थे? नहीं, ओके कोई बात नहीं। ओके दोस्तों, यही कहना चाहूँगा मैं, जिस किसी भाई को अगर वीडियो अच्छी लगी, कैसे नहीं तो एक लाइक ज़रूर बनता है दोस्तों, एक लाइक ज़रूर करो, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, सॉरी। एक अच्छे उस्ताद के साथ, एक अच्छे ब्रीडिंग सेटअप के साथ हम बैठे हैं,
एक ब्रीडिंग के बादशाह ही कह सकते हैं दोस्तों, इनके साथ हम बैठे तो इनका नॉलेज बात करते करते बात बहुत बड़ी हो गई। तो आप एडजस्ट करो, एक अच्छा सीखने मिला तो एक लाइक करो, ये कहना चाहूँगा मैं। ओके दोस्तों, तो जिस किसी भाई को अगर इनके और नेक्स्ट वीडियो आप देखनी है तो वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन है, आप उसे टच कीजिए, उसके आगे बेल आइकॉन है उसे भी आप टच कीजिए, उससे ही होगा जैसे हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप ही के पास आ जाइए। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी हो। ओके दोस्तों, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय कबूतर।